अली पहले तो बताइएगा कि आपने 50 रन किए, आपकी ऑब्वियसली बैटिंग कर रहे थे आप लोग, किस तरह की विकेट थी और क्या कंडीशन थी इस बारे में कुछ बताइएगा, और साथ में आप कल का दिन है तो किस तरह देख रहे हो बैटिंग किस तरफ जा रही है? जी, हमने स्टार्ट किया था तो कंडीशंस थोड़ी सी टफ थी। फर्स्ट टाइम जो पहला सेशन था, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर था, बॉल उस तरह बैट पे आ नहीं रहा था। तो हमने ये प्लान किया था कि हम थोड़ा सर्वाइवल मोड पे जाएंगे पहले लंच तक, और इसमें हम कामयाब हुए हैं। एक विकेट हमारी गई थी, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप लग गई मेरी और उस्मान सलाउद्दीन की। ठीक, मुजम्मिल आप अपना सवाल करिएगा। अली, मेरा सवाल ये है आपसे, सेंट्रल पंजाब इस वक्त डाउन द टेबल है, सबसे लास्ट पोजीशन पे है। आज जितना मैच मैंने देखा उसमें आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत जो है ना वो आउट रही, और नज़र नहीं आ रहा था कि आप लोग एग्रेसिव खेल रहे हैं, और मतलब माइंड में यह है कि ट्रॉफी जीतने की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल डाउन ऑफ द टेबल हैं, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। हमारे 30 पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट पे है उसकी 74 है। तो इधर हम अभी 5 मैच पड़े हैं ये मिला के, तो अगर हम इसमें 2 या 3 मैच जीत जाते हैं, अच्छे बैटिंग पॉइंट्स बॉलिंग पॉइंट्स ले लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम फर्स्ट या सेकेंड पे फिनिश करेंगे टेबल के। जी अली, थैंक आपकी जी जी एक मुजम्मिल और आप सवाल सवाल कर है, जी जी बिल्कुल करें। आपकी आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस, आपने आप सेंचुरी की, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैचेस लाइव जा रहे होते हैं और आपकी ऐसी परफॉर्मेंस और नेशनल स्टेडियम कराची में, तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्टर रही है इनिंग आपके लिए पर्टिकुलरली? जी बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था मैच, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग है मेरे लिए। पहले भी मैं लाइव मैच खेला था, फर्स्ट मैच उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैंने लाइव मैच के अंदर अच्छा करना है। बिल्कुल, इस पे जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाता है, तो ये बहुत अच्छा है पीसीबी का कि जो लाइव मैचेस जो आ रहे हैं। जी थैंक यू अली, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मीर बताइएगा कि आप लोगों का पहला सेशन बड़ा अच्छा रहा जिसमें आपने पहली विकेट हासिल की, उसके बाद हमने देखा मिडिल ओवर्स में जो सेशन था उसमें सेंट्रल पंजाब ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर आखिरी सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग के साथ, तो किस तरह सम अप करते हैं आज दिन की परफॉर्मेंस को अपनी और टीम की? जी जी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हमारा ही दिन था। जिस तरह की हमने बॉलिंग की है, अनफॉर्चुनेटली विकेट्स हमें इतनी ज़्यादा मिल नहीं पाई, लेकिन जो अच्छी चीज़ हमारी ये थी कि हम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और सब बॉलर्स ने एक लाइन लेंथ पे बॉल किए, और उनकी लंच के बाद बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। खैर, लेकिन ये था कि हमारा मेन जो पर्पज़ यही था कि हम लाइन लेंथ पे बॉल करेंगे, और इन दी एंड हमें 2 विकेटें भी मिल गई थी। जी मुजम्मिल आप अपना सवाल करिएगा। हमजा, आज आपने एक विकेट ली। हमजा, मैं पूछना चाहूँगा कि कितना डिफिकल्ट होता है जो हालिया सूरत आले कोविड-19 में, इसमें माइंड को फोकस रखना मैचेस पे और फिर परफॉर्म भी करना, और फिर ये मैच लाइव भी जा रहा है, तो किस तरह सम अप करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को? और दूसरा ये कि एक वक्त में हमजा मीर ने नेशनल टीम में भी अपनी जगह बनाई और उसके बाद ज़्यादा मैचेस खेल नहीं सके, गालिबन एक टेस्ट मैच आप खेल सके, तो कहाँ समझते हैं लैक करते हैं और किन चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि दोबारा नेशनल टीम में कमबैक कर सकें? देखें, अव्वल तो जो कोविड की आपने बात की है, बिल्कुल टफ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल क्रेडिट पीसीबी को भी देना चाहिए कि इतने टफ सिचुएशंस में ये कायज़म ट्रॉफी करवा रहे हैं। और दूसरा ये है कि शुरू में ज़ाहिर है बिल्कुल थोड़ा सा हमारे लिए टफ था, लेकिन अब ये है कि यूज टू हो गए, और मेन मकसद हमारा क्रिकेट खेलना ही है, तो क्रिकेट पे ही फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो नहीं रही। और दूसरा जो आपका सवाल है, एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, एज ए ह्यूमन बींग, इम्प्रूवमेंट की हमेशा जगह होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद जब दोबारा मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में आया, तो मुझे फील हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है। और जो कोविड, हमें 5-6 महीने का कोविड जो आया था, उसमें हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम था, सबने मेहनत की, सबने अपनी वीकनेस पे काम भी किया है, और अब ये कायज़म ट्रॉफी है, इंशाल्लाह हम इसको परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह इसमें। मुजम्मिल आपका कोई और सवाल है? एक लास्ट है नज़ीर भाई, जी, वो मैच हमजा सिंध की टीम के बारे में थोड़ा बता दें। सिंध की टीम इस वक्त 5th पोजीशन पे है और कल का दिन है आज। आज आपने जो आपकी टीम ने जो है वो अच्छा कंपैरेटिवली अच्छा खेला, तो कल क्या टारगेट है कि कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे और देन फिर लीड लेंगे सेंट्रल पंजाब पर? अव्वल तो बिल्कुल सिंध की टीम 5वें पोजीशन पे ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से हम थ्रू आउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बस सिर्फ फिनिश नहीं कर पा रहे।
और इस मैच में चूंकि मेरे ख्याल से रिजल्ट आएगा तो हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह हमने मैच में ग्रिप बनाई भी है अपनी और इसको कल सुबह आते ही रिलैक्स नहीं होना, उसी मोमेंटम के साथ जिस तरह हमने फिनिश किया है उसी मोमेंटम के साथ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगर हमने पहली इनिंग में इनको जल्दी आउट किया और लंबी हमने 90 रन बनाए अपनी पहली इनिंग में तो इंशाल्लाह मैच पे हमारा ग्रिप और मजबूत हो जाएगा। थैंक यू मुजम्मिल और थैंक यू मीर हमजा। थैंक यू।